जरा सोचो, बीच हाईवे में तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो जाएं और पुलिस को लगे कि तुम चलान से बचने के लिए गाड़ी भगा रहे हो। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक प्लास्टिक सर्जन को देखते हैं, जिसकी वाइफ जूलिया तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। उनके पहले से लाइसन और नोई नाम के दो बच्चे थे। पूरा परिवार 2 हफ्तों के लिए ट्रिप पर जाने वाला था, लेकिन उसी वक्त किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाजे पर बच्चों का दादा बेन था, जो खुद भी उनके साथ इस ट्रिप पर जाना चाहता है। हालांकि टॉम को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूलिया को बेन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ता फोड़ता रहता था। उसका दिल साफ था, लेकिन वो हमेशा गलत समय पर गलत जगह पहुंच जाता। लेकिन अब तो टॉम और जूलिया वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों ने बेन को देख लिया था, जो उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सामान पैक किया और नीचे जाने लगे। रास्ते में उनका पड़ोसी हुआन जूलिया पर लाइन मारने लगा, लेकिन जूलिया ने उसे अनदेखा कर दिया। अब पूरा परिवार टॉम की चमचमाती नई कार मेड्यूसा में बैठ गया। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाली कार थी, जिसके सारे फीचर तो टॉम को भी नहीं पता थे। उसने सोचा कि ट्रिप के दौरान तो उसे गाड़ी की समझ आ ही जाएगी। अचानक से नोई को याद आया कि उसकी टॉय गन तो घर पर ही छूट गई है, और दूसरी तरफ बेन को भी हल्का होना था, इसलिए दोनों दादा पोता फिर से ऊपर गए। बेन ने गलती से टॉयलेट पेपर्स टॉयलेट में ही गिरा दिए। उसने उन्हें नीचे दबाने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में टॉयलेट से पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गिरने लगा। बेन उसे ऐसे ही छोड़कर बाहर आ गया, लेकिन तभी उसके बेटे ने उस पर नकली गोली चला दी, क्योंकि उसे लगा था कि घर में चोर घुस आया है। इसके बाद उसे अपनी पेशेंट सिसिलिया का कॉल आया, जिसने होठ बड़े करने वाली सर्जरी करवाई थी। उसके होठों में जलन हो रही थी, लेकिन टॉम ने कहा कि ऐसा होना आम बात है। इसके बाद सब गाड़ी में आराम से बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ट्रिप शुरू हो गई और बेन ने तुरंत जूलिया को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद बच्चों को भूख लगी, तो वो स्नैक्स लेने रुक गए। वहीं बेन को नीले बालों वाली एक लड़की मिली, जिसका नाम मेलेडी है। मेलेडी ने कहा कि उसकी माँ उसका सामान लेकर गाड़ी में चली गई और उसे यहीं भूल गई। बेन उसकी मदद के लिए राजी हो गया, लेकिन वो जानता था कि जूलिया किसी अनजान लड़की को कार में नहीं आने देगी, इसलिए बेन ने उसे सीट के नीचे छिपा दिया। इसके बाद गाड़ी का शीशा साफ करते हुए उसने अचानक से वाइपर ही तोड़ डाला, लेकिन बेन ने उसे चुपचाप वहीं चिपका दिया, ताकि किसी को पता ना चले। सफर फिर से शुरू हुआ और बेन होने वाले बच्चे के लिए अजीबोगरीब नाम बताने लगा, जिससे जूलिया का पारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। टॉम ने उसे चुप होने का इशारा भी किया, लेकिन वो कहां सुनने वाला था। जूलिया ने गुस्से में उसे चेप कह दिया, क्योंकि जब जब उन्होंने बच्चे के लिए ट्राई किया, तब तब बेन भी वहीं मौजूद था। इसी बहस में कार के नीचे का डिजिटल कंट्रोल बॉक्स खराब हो गया। जूलिया ने जिद की कि वो घर लौटना चाहती है, लेकिन जब टॉम ने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगी ही नहीं। वो घबरा कर आगे बढ़ने लगा, क्योंकि अब तो वो गियर भी नहीं बदल पा रहा था। हाईवे पर 2 बार वो गाड़ियों से टकराते टकराते बचे। जूलिया ने पूछा कि दिक्कत क्या है, जिस पर टॉम ने जवाब दिया कि ब्रेक्स फेल हो गए हैं। ये सुनकर जूलिया को लगा, ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा है, सच में थोड़ी ब्रेक फेल हुई होंगी। बेन ने भी फालतू के आइडियाज देने शुरू कर दिए, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो लोग फंस चुके थे। उधर मेलेडी भी परेशान होकर बेन से पूछने लगी कि अंकल कितना टाइम और लगेगा। नोई उसे देखकर चौंक गया और अपनी माँ को बता दिया। अचानक अनजान लड़की को देखकर सभी शॉक हो गए और उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। अब तो बेन ने हद ही कर दी थी। बच्चे घबराए ना, इसलिए जूलिया ने उन्हें गाना गाने को कहा। अचानक वो एक बाइक से टकराने वाले थे और मीठे गाने चीख में बदल गए। टॉम ने तंग आकर जूलिया से कहा कि कार के डीलर को कॉल करे। डीलर किसी और परिवार को सेम गाड़ी बेच रहा था। जब टॉम ने उसे समझाना चाहा कि गाड़ी नहीं रुक रही, तो उसने बड़े आराम से कह दिया, ब्रेक लगा ले भाई, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। कैसे लोग हैं। उधर मेलेडी को अपनी माँ की गाड़ी दिख गई। वो चिल्लाकर उसे पुकारने लगी, लेकिन उसकी माँ को कुछ सुनाई नहीं दिया। अचानक उसने नकली गन छीनकर टॉम के सर पर रख दी। उसे लग रहा था कि ये लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं। बाकियों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने टॉम पर गोली चला दी, जिससे वो बाल बाल बचा। बेन ने उसकी नाक पर जोरदार घुसंड दिया और गन वापस छीन ली। पागल सी। एक घुसंड पड़ने के बाद मेलेडी के भी समझ में आ गया कि शायद ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। इसी हड़बड़ी में गाड़ी टॉम के कंट्रोल से बाहर हो गई और उन्होंने किसी और की गाड़ी का दरवाजा तोड़ डाला। उस कार का मालिक जैकी बेहद गुस्से वाला था। उसने भी फुल स्पीड में टॉम का पीछा शुरू कर दिया, ताकि अपने नुकसान के पैसे ले सके। तभी 2 ट्रैफिक पुलिस वालों ने टॉम की गाड़ी को स्पीड लिमिट से तेज जाते देख लिया। एक पुलिस वाला टॉम के पीछे चल पड़ा
तो दूसरा जैकी के। उधर गाड़ी में बेन और जूलिया एक दूसरे की सीट पर आ गए। जैसे ही बेन ब्रेक्स ठीक करने नीचे झुका, पुलिस वाला साइड में आ गया और उनकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर परेशान हो गया। टॉम ने उसे बताया भी कि उनकी ब्रेक फेल हो गई है, लेकिन पुलिस वाले ने लाखों बार ये कहानी सुन रखी थी। जूलिया ने एक नक्शे के पीछे हेल्प लिखकर ऑफिसर को दिखाना चाहा, लेकिन वो कागज उड़कर ऑफिसर के मुंह पर ही चिपक गया। वहां से हटकर वो नक्शा जैकी के शीशे पर जा चिपका, जिसकी वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। तभी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जैकी उसे चकमा देकर फिर से टॉम का पीछा करने लगा। उधर ट्रैफिक पुलिस की हेड को भी इस हंगामे की खबर पहुंची, लेकिन उसे भी लगा कि टॉम चालान न कटवाने के लिए झूठ बोल रहा है। आखिरकार उनकी गाड़ी एक क्रॉस बॉर्डर चेक पॉइंट पर पहुंची। टॉम ने कई बार गाड़ी इधर उधर हिलाकर एक्सीडेंट होने से रोका। अब तो ट्रैफिक पुलिस की हेड को भी लगा कि मामला सीरियस है। उसने कार और उसके मालिक की जांच के ऑर्डर्स दे दिए। उनका पीछा करते करते जैकी भी बॉर्डर क्रॉस कर गया। ये बंदा अपने पैसे लेके ही मानेगा। टॉम ने विंडशील्ड पर स्प्रे चला दिया, लेकिन तभी बेन की मेहरबानी से वाइपर टूटकर नीचे गिर गया। बेन एक कपड़ा लेकर सनरूफ से पानी साफ करने पहुंच गया। उसकी तो जान जाने ही वाली थी। इसके बाद बेन ने खतरों का खिलाड़ी बनके शीशे को साफ किया। इसी मुसीबत में सिसिलिया का फिर से कॉल आ गया। उसका चेहरा और होंठ गुब्बारे की तरह फूल चुके थे। टॉम ने ऐसे ही कोई नकली नुस्खा बताकर अपनी जान छुड़ाई। अब वो 2 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से उसके कंधे दर्द करने लगे थे। बहुत मिन्नतें करने के बाद बेन उसकी जगह पर आकर गाड़ी चलाने लगा। उधर शोरूम में डीलर ने नए परिवार को गाड़ी में बैठा दिया। तभी टॉम ने उसे कॉल करके बेकार गाड़ी देने के लिए काफी सारी गालियां दी। उधर वो नया परिवार भी गाड़ी में फंस गया। जैसे ही डीलर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हैंडल ही टूट गया। यानी कि सारी मुसीबत की जड़ ये गाड़ी ही थी। अंदर बैठे लोगों ने तो उल्टियां करनी शुरू कर दी। उधर पुलिस ने पता लगाया कि टॉम की कार कुछ रात पहले भी तेज स्पीड में पकड़ी गई थी। उस वक्त बेन एक लड़की के साथ गाड़ी चला रहा था। इसे देखते ही ऑफिसर को पूरा यकीन हो गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ऑफिसर ने अपनी बंदूक टॉम की तरफ तान दी। खुद को सच्चा साबित करने के लिए जूलिया गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपना पेट दिखाने लगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे से सभी गाड़ियों को हटवाने का ऑर्डर दिया। 2 ऑफिसर्स गाड़ी के आगे चल रहे थे ताकि वो किसी से टकराए ना। कुछ देर बाद जूलिया को उनके पड़ोसी हुआन का कॉल आया, जिसने कहा कि उनका पूरा फ्लैट पानी से भर चुका है। क्योंकि उसका फ्लैट उनके ठीक नीचे वाला था, तो पानी अब उसकी छत से भी लीक कर रहा है। ज्यादा चिंता तो उसे जूलिया की पेंटिंग्स की थी, जो उसने खुद बनाई थी। तभी टॉम ने जूलिया से फोन ले लिया, लेकिन हुआन बोलता ही रहा कि उसे जूलिया के साथ और वक्त बिताना होगा ताकि वो और पेंटिंग्स बना सके। गुस्से से भर कर टॉम ने फोन ही बाहर फेंक दिया और जूलिया से पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये साफ हो चुका था कि जूलिया का हुआन के साथ चक्कर चल रहा है, जबकि जूलिया ने जवाब दिया कि ये तो 1 साल पुरानी बात है, अब तो मैं उससे बात भी नहीं करती। लेकिन टॉम के दिल को इस बात से कोई शांति नहीं मिली। तभी जूलिया कहने लगी कि वो भी टॉम की सेक्रेटरी के साथ उसके अफेयर के बारे में जानती है। फिर उन्होंने फैसला किया कि अपने अपने चक्कर को घर में जाके ही सुलटाएंगे। तभी बेन का एक बार फिर से जोरदार प्रेशर बन गया, तो हल्का होने के लिए उसे एक लिफाफा दिया गया। उस लिफाफे को उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो सीधा जाकर जैकी के मुंह पर लगा। ये बंदा फिर भी नहीं रुका और सर पर बाल्टी डाल के उनका पीछा करने लगा। अब एक आखिरी तरकीब लगाकर टॉम ने एक्सेलरेटर दबा दिया ताकि गाड़ी और तेज चले और पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाए। सब आंख बंद करके गाड़ी के तेज होने का इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका गैस पेडल भी टूट चुका था। कुछ ठीक भी है इस गाड़ी में? डीलर को गालियां बकते हुए टॉम ने गैस पेडल भी खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो पुलिस वाले को लगते लगते बचा। लेकिन उस बेचारे की बाइक क्रैश हो गई। तभी दोनों पुलिस वालों को कहीं से सिसिलिया की गाड़ी मिल गई, जिसमें वो लोग फिर से टॉम के पीछे हो लिए। उधर जैकी उनकी गाड़ी तक पहुंच गया और नुकसान के पैसे मांगने लगा, लेकिन नोई ने अपनी नकली बंदूक की मदद से उसे रास्ते से हटा दिया। अब उनकी गाड़ी की खबर टीवी तक फैल चुकी थी और आधे घंटे में उनका क्रैश एक ट्रैफिक जाम से होने वाला था। पुलिस ने अपनी कार को उनकी कार के आगे फंसा कर रोकना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार उन्होंने बच्चों को खिड़की के जरिए दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने का फैसला किया। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन अब कोई चारा भी तो नहीं था। आखिरकार सारे बच्चे सही सलामत पुलिस की गाड़ी में पहुंच गए। जब मेलेडी की बारी आई तो बेन कहने लगा, अरे दीदी, जाते जाते ये तो बता दो कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। इसी चक्कर में वो कंट्रोल खो बैठा और मेलेडी 2 गाड़ियों के बीच में ही लटक गई। बड़ी मुश्किल से गाड़ी संभली और मेलेडी की जान बची, वरना अभी नीचे गिर के चॉकलेटी हो जाती है। टॉम, जूलिया और बेन खिड़की में पूरे नहीं आ सकते थे और ट्रैफिक जाम आने में बस 5 ही मिनट बचे थे। अचानक कहीं से एक पुलिस हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ गया। जब वो जूलिया को सनरूफ से निकालकर हार्नेस से बांधकर ले जाने लगे, तो उसने चिल्लाकर अपने पति से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है। हो सकता था कि अब वो शायद कभी ना मिले। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अंत में वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई और अब गाड़ी में सिर्फ बेन
और टॉम ही बचे थे। कुछ ही पलों में उनका क्रैश होने वाला था, लेकिन अचानक से हेलीकॉप्टर ने पूरी गाड़ी को ही ऊपर खींचकर उनकी जान बचा ली। लेकिन ये गाड़ी इतनी रद्दी थी कि इसकी छत भी टूट गई और नीचे का हिस्सा सीधा जमीन पर आ गिरा। लेकिन खुशकिस्मती से टॉम और बेन सही सलामत लैंड हो गए। दूसरी तरफ जूलिया की डिलीवरी का भी समय आ गया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आखिरी सीन में उनका तीसरा बच्चा भी पैदा हो गया और उसके बाद पूरा परिवार अपने घर जाने के लिए लिफ्ट में गया, लेकिन तभी लिफ्ट भी अचानक से रुक गई और वो सारे एक बार फिर से फंस गए। तो आज कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।